हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 के केस में जमानत की पूरी प्रक्रिया क्या है, कब कौन सी जमानत लेनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए 376 की एफआईआर के बाद। ध्यान रखें कि अगर आपके खिलाफ 376 की एफआईआर हो गई और अगर आप जेल नहीं गए हैं तो ऐसी स्थिति में सीधे आपके पास एक क्रिमिनल रिट का सहारा है कि आप जाके आरएसटी स्टे ले आएं। दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एंटीसेप्टिक बेल ले लें। अब एंटीसेप्टिक बेल जब आप सेशन में फाइल करेंगे तो 99% ये उम्मीद मान के चलिए कि वहाँ खारिज हो जाएगी। इसलिए आप अगर सेशन में खारिज हो ही जाएगी तो कुछ लोग 50,000 सेशन तक में ही बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही बर्बाद कर देते हैं डर बस। तो ध्यान रखें कि सूझबूझ से काम लें। 376 के केस की बेल 99% एंटीसेपेटिक बेल लोअर कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में खारिज हो ही जाएगी। वो ऑर्डर रिजेक्शन और एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी के साथ अगर आप हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट में उम्मीद ये मान के चलिए कि आपकी बेल हो जाएगी। अगर केस फर्जी है, अगर केस झूठा है, अगर 161 का बयान, 164 का बयान, मेडिकल, एफआईआर चारों चीजों में अंतर है, कंट्राडिक्शंस हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी बेल 100% हाई कोर्ट से हो जाएगी। अब तीसरा सवाल ये कि अगर मान लिया जाए आप जेल में हैं, जेल की कंडीशन में, देखिए जेल की कंडीशन में लोग बहुत बेवकूफ बनते हैं, दुनिया भर का पैसा बर्बाद होता है। जेल अगर चला गया बंदा तो देखिए दो जगह तो बेल 100% रिजेक्ट होनी ही है, जैसे लोअर कोर्ट आंख बंद करके खारिज करेगा। रही बात सेशन कोर्ट की, सेशन कोर्ट में भी मैंने बताया कोई ये नहीं कहता है, कोई भी ये वकील नहीं कहता है कि ये बेल सेशन से मैं नहीं कराऊंगा। सबको यही कहना होता है भाई हम करा देंगे, लेकिन आपकी मैं मेंटेलिटी क्लियर कर दूं, आप ये मानसिकताओं के साथ ही जाएं कि आपकी बेल सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर ही देगी, तो उसी हिसाब से पैसा बर्बाद करें। पानी की तरह पैसा इसलिए ना बर्बाद करें कि आपकी बेल सेशन से हो रही है, कभी नहीं होगी। और नहीं तो जिनकी जिनकी खारिज हुई है वो देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो किसी के बहकावे में ना आए, बरगलाए में ना आए, सेशन में बेल आपकी खारिज हो जाएगी, तो उसी हिसाब से पैसे बर्बाद करें। बहुत लोग 25,000-50,000 सेशन कोर्ट में बर्बाद कर देते, लाख लाख रुपए, कोई उसका रिजल्ट नहीं। उसमें जेल जाने की कंडीशन में भी बेल आपकी 376 की हाई कोर्ट से ही होनी है। चलिए अब एक सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि अगर 376 का केस हो गया तो बेल तो हाई कोर्ट से होनी ही है, जो 50,000 या लाख रुपए आप बेवजह थाने पे दे देते हैं उसे कभी न देना। तुम जेल जाओगे ही जाओगे, अगर 376 का केस है तो जेल जाना ही तय है। एक बात और लोगों के दिमाग में आती है कि 376 अगर एफआईआर हो गई, दुनिया भर के झूठ उसमें शामिल है, या पैसा उसने आपसे लिया, बाद में आपने मांगा, महिला ने 376 लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में सारे रिकॉर्ड्स को आप रखिए, ये सब बेल में काम आने वाले रिकॉर्ड हैं। तो ये तो रही बात बेल के बारे में। अब सवाल ये है कि अगर आपने बेल करा लिया और आप चाहते हैं मुझे ट्रायल ना लड़ना पड़े, जब ट्रायल ना लड़ना पड़े अगर आपके दिमाग में ये है तो धारा 227 सीआरपीसी, धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज मूव कर देना। डिस्चार्ज मूव करोगे तो हो सकता है सेशन अलाउ कर दे, अगर सेशन अलाउ नहीं करेगा तो वही ऑर्डर हाई कोर्ट ले आना, आपका डिस्चार्ज मिल जाएगा अगर
कोई मेडिकल नहीं है तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।